हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर आज आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर आया हूँ। आज मैं जद्दा हिस्टोरिकल एरिया को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए जद्दा हिस्टोरिकल एरिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस वक्त हूँ बाब मक्का मस्जिद अल मगरबी। जो लोग यहाँ रह चुके हैं उन्हें मालूम होगा, सेम मैं उसी पोजीशन पे हूँ। और यहाँ से मैं सुकल अलवी की तरफ अभी जाऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और देखते रहिए रयान टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, अब हम सुकल अलवी मार्केट में जा रहे हैं। ये सुकल अलवी मार्केट कहलाता है। यहाँ पर दोनों साइड दुकानें हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये हिस्टोरिकल एरिया के अंदर में आता है। जी हाँ दोस्तों, तो बातों ही बातों में हम पहुँच गए हैं बैत नसीफ हाउस के पास। जी हाँ, इसे म्यूज़ियम भी बोलते हैं। ये अरबिक वर्ड है बैत नसीफ। आप देख सकते हैं उसी जगह पे पहुँच गए हैं, कुछ लोग बैठे भी हुए हैं। ये बैत नसीफ है, इसका मैं आपको राउंड लेकर के दिखा रहा हूँ। ये बल्दिया वाले की गाड़ी लगी हुई है, लोग बल्दिया वाले यूज करते हैं इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये कुछ डायरेक्शन मैं आपको शो कर देता हूँ वीडियो में, ये आप देख सकते हैं। मैं एक राउंड घुमाता हूँ इसको तो आपको देखने में आसानी होगा। देखिए तोप लगे हुए, तीन तोप। और मैं बैत नसीब की तरफ कैमरा को मूव करता हूँ। आप हेल अरेबी का देख सकते हैं स्टोर है और ये बैत नसीब है। इस वक्त हम खड़े हैं सारे धाप पर। जी हाँ दोस्तों, ये सारे धाप का वही रास्ता है जिससे पहले ओवरब्रिज हुआ करता था, फ्लाई ओवर, और नीचे से अंडर पास हुआ करता था लोगों के इस पार से उस पार जाने के लिए, मतलब सुकल अलवी से गोल्ड मार्केट की तरफ जाने के लिए, बलद जाने के लिए। मैं ठीक उसी पोजिशन पर हूँ अभी और मैं एक बिल्कुल आपको कैमरा राउंड करके 360 का व्यू दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये बैत नसीब की तरफ रास्ता गया है। लोग कुछ लोग उस तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। यहाँ पे एक जूस की दुकान भी थी, यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है जो कि मतलब तोड़ दिया गया है, कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लाईओवर के बाद यहाँ पे रास्ता भी बना था आने जाने के लिए, बट उसको भी तोड़ दिया गया है। अब कुछ नया मतलब बन रहा है, कुछ नया ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑर्गेना समझ सकते हैं। और ये देखिए, ये गोल्ड मार्केट के तरफ रास्ता चला गया है, मरकज अल महमल दिख रहा है। और ये इस तरफ से चला गया है खसब खोबरी, जो लकड़ी वाली खोबरी है, काफ़ी मतलब जानते होंगे आप लोग। लोग उस तरफ भी जाएंगे और खसब खोबरी को भी एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल ये देखिए, वो दिखाई दे रहा है महमल सेंटर, मरकज अल महमल। और ये वो दिख रहा है ऊंची वाली बिल्डिंग जो है, येलो कलर की, अलहिफनी सेंटर है वो।
जी हाँ दोस्तों, बातों ही बातों में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं खसप कुबरी के पास। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं वो जो दिख रहा है वही है खसप कुबरी। खसप कुबरी, खसप यानी लकड़ी, कुबरी तो आप समझते ही हैं। तो ये जो कुबरी है सारी, इसकी खासियत यही है कि लकड़ी का बना हुआ है, तो काफ़ी पुराना है, इसलिए इसे खसप कुबरी कहा जाता है। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए रयान टाइम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।